उन्होंने बताया ये हमारे महजूर नगर से है, ये सुनवार कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो जैसे आपने देखा इनके साथ काफी एक वर्कर्स का बहुत बड़ा ग्रुप है, लेडीज का, जेंट्स का बड़ा इंक्लूसिव ग्रुप है, ये भी साथ में ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमने इनको आज खुद यहाँ ज्वाइन करवाया, खुशी हो रही है इंशाल्लाह कि पार्टी बढ़ रही है ग्रास रूट लेवल पर। ये आप देखिए जमीनी लोग, सर कहा जा रहा है कि इलेक्शन होने जा रहा है, अपनी पार्टी का जो चीन तो उन्होंने कल एक लोगों को एक दावा किया कि इलेक्शन प्योर वाटर फ्री में देंगे जम्मू कश्मीर को, तो आप क्या कहेंगे और आपकी पार्टी क्या आप इक्तदार में आएंगे तो क्या करेंगे आप जम्मू कश्मीर के आवाम? नहीं, वो अब लंबा मामला है, तो वो लंबा मामला है, तो वो जब इंशाल्लाह होगा मैनिफेस्टो जब हम रिलीज करेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें ये इतनी मुश्किल क्रेडिबिलिटी है भाई जम्मू कश्मीर में, शहर नहीं क्रेडिबिलिटी खाता हूँ ना, तो लोगों की भी नहीं रखी, सब ले गए, स्टेट भी ले गए, 370 भी ले गए। तो यार ये छोटी मोटी बातें हैं, कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ आता है, ये एक डेमोक्रेसी में, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में चलता रहता है, कोई वहां जाता, कोई एक टाइम था हमारे यहाँ से लोग भाग रहे थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जब सन 2002 मुझे याद है सब उठ के चले गए, आज सब आ रहे, ये चलता रहता है आना जाना। बाकी जिसका पार्टी का वोट, जिसके साथ ये लोग हो, उसको तो कोई फर्क नहीं ना पड़ता है कौन कहाँ। जो ये लेडीज का मैंने सुना कल रात को, बहुत देर से सुना, बड़ा कंडेमनेबल है, वी कांट लिव, हम रह नहीं सकते एक ऐसी जगह में जहां सरकार हर एक घंटे के बाद, हर दो घंटे के बाद ये दिखाना चाहे लोगों को कि देख लो मैं तलवार लेकर खड़ा हूं। हम तो, अगर सरकार जो होती है, सरकार तो माए बाप होती है, माए बाप ऐसा थोड़ी होता है तलवार लेकर 24 घंटा कि साहब तुमने किसी टीवी वाले को इंटरव्यू दिया इसलिए मैं आपको अंदर करता हूँ। ये तो बेहद शर्मनाक चीज है, क्या कह सकते, पैसा ही नहीं है मेरा यार, तो मुझे कहां बैंक का पता है।